मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह, और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे दो राय ही नहीं हो सकती यार कि दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड का, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फास्ट बॉलर स्पिनर्स अलॉन्ग विद द बेस्ट फील्डिंग साइड, और क्या चाहिए आपको। फिर आपको तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यार ही इज प्रॉबली द वन द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ, बिकॉज अगर ये ना होता रोहित तो इतनी अच्छी टीम बिल्ड ना होती है। हर हिंदुस्तानी बहुत खुश था और मैं पर्सनली बहुत खुश था। कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके, तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है तो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, अपनी होम कंडीशंस का इतना जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। इस टीम को हराना क्या नामुमकिन मुझे लगता है फाइनल तक। इस वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम को कोई टफ टाइम देगा, सब टीमों से वो किसी को करीब नहीं लगने दिया, ऐसे वो खेल रहे हैं। देखिए भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें। मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, लोग एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि यार ये आपने 350 क्यों किया, 400 क्यों नहीं किया। आई कैन अंडरस्टैंड दैट आपको करना चाहिए, लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है, क्या ही अच्छा होता और क्या ही अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। फिर आपको तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, क्योंकि उसने इधर नहीं देखा वहाँ नहीं देखा, अय्यर को खिलाया उसने, उन्होंने कहा भाई जितनी मर्जी दफा फ्लॉप हो, टीम मैनेजमेंट को तान नहीं कहा भाई मैंने ड्रॉप नहीं करना अय्यर को, ना ही मैंने सिराज को ड्रॉप करना है, मैंने खिलाना है। सो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यार ही इज प्रॉबली द वन द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ, बिकॉज अगर ये ना होता रोहित तो इतनी अच्छी टीम बिल्ड ना होती है। आज हर बॉल पे शोर था वांकटे में और हर हिंदुस्तानी बहुत खुश था और मैं पर्सनली बहुत खुश था शामी के लिए कि उनका रिदम वापस आ गया है। तीन मैचेस में इतनी सारी विकटें, 45 विकटें ले चुके हैं 14 वर्ल्ड कप मैचेस में और सरपास कर चुके हैं। सिराज खुल के भाग रहे हैं, बुमराह इज लीथल, ये कम्फर्ट बुमराह ने दिया इन दोनों को, अलाउ किया कि आप खुल के बॉलिंग करो, तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है, वो तो हिलने नहीं देता, और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे दो राय ही नहीं हो सकती यार कि दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड का, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फास्ट बॉलर स्पिनर्स अलॉन्ग विद द बेस्ट फील्डिंग साइड, और क्या चाहिए आपको। दशहरा भी हो रहा है, 7 वर्ल्ड कप भी हो रहा है, दोनों सेलिब्रेट करें भाई। आपने सुना है वो एक बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके, तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है तो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर सी बात है हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, अपनी होम कंडीशंस का इतना जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। रोहित शर्मा आउट हुआ, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं उस हिसाब से तो देखा जाए तो इंडिया की टीम तो वैसे ही फारिग हो जानी चाहिए कि यार ऊपर से आउट हो गया इतना टॉप का प्लेयर जो इतना खुली क्रिकेट इतना मारता है सबको। लेकिन जिम्मेदारी देखो, एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट विराट कोहली, वो लेके चला शुभमन गिल को। शुभमन गिल देखे, जब जूनियर लड़का जब सीनियर के साथ क्रीज में मौजूद होता है ना, उसका दिल इतना बड़ा होता है, वो इतना सीख रहा होता है उससे बैटिंग करने के दौरान। विराट कोहली की एक बात आपको बताऊं, जितनी वो ट्रेनिंग करता है, जितना वो हार्ड वर्किंग है, जिम में टाइम लगाता है, अपनी तगड़ी रनिंग करता है, देखिए आप मेंटली स्ट्रांग ऐसे नहीं हो सकते। और प्लेयर्स भी हैं जो बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग्स करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे, कुछ क्रिकेटर ऐसे होते
एक तो विराट कोहली मेहनत से बना हुआ बहुत ज्यादा ठीक ठाक किस्म की उस बंदे ने मेहनत की हुई है, वो मेहनत से बना है, वो नेचुरल टैलेंटेड नहीं है जिस तरह रोहित शर्मा है। जो प्लेयर मेहनत से बनता है वो फिर मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग होता है। शमी जो है पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि एशिया कप में ये उससे पहले आप देखें कि फर्स्ट चॉइस जो है वो सिराज नजर आ रहा था, शमी को बिठाया जाता था, शमी जो है सेकंड चॉइस पे आया करते थे। लेकिन आप ये देखें कि रोहित शर्मा ने कितनी ज़बरदस्त एक शमी की जगह बनाई शार्दुल ठाकुर की जगह पे, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि भाई शार्दुल ठाकुर ना बैट्समैन है इतना अच्छा, ना बॉलर इतना अच्छा है, आप ऐसे प्लेयर को क्यों खिला रहे हैं, या एक बैट्समैन टीम में लेके या शमी को लेके जो डगआउट में बैठे। आपने देखा उन्होंने आते ही 5 आउट किए, फिर उसके बाद 2-3 विकेट्स लिए, आज फिर 4 आउट कर चुके, आगे मुझे लगता है आज फिर शायद 5 आउट ना कर जाए। लेकिन उन्होंने गुस्सा निकाला, उन्होंने बताया कि भाई मेरी जगह बनती है टीम में, इस टीम को हराना क्या नामुमकिन मुझे लगता है फाइनल तक। बाकी जिस दिन उनकी बैड लक हुई वो बहुत बुरी क्रिकेट खेल जाएंगे तो खेल गए। वही रहते हैं जो स्पेशलिस्ट हो, तो यही फायदा है इंडियन टीम का और ये तैयारी के साथ। और आप देखें कि डिफरेंट वेन्यू में जाके डिफरेंट अप्रोच के साथ जहां पे उस वक्त जरूरत होती है वो अप्रोच के साथ वो खेले, 5 आउट किए हैं। मोहम्मद शमी ने पहला बॉलर बन गया इंडिया का जिसने आए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा आउट किए हुए ICC इवेंट में ODI में, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है शमी के लिए। इस वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम को कोई टफ टाइम देगा। वो मैच एक था न्यूजीलैंड के साथ धर्मशाला में, वही एक टफ टाइम मुझे लगा, उसके अलावा तो सब टीमों से वो किसी को करीब नहीं लगने दिया। ऐसे वो खेल रहे हैं इंडियन टीम, ऐसी टीम फॉर्म में आई हुई है। देखिए भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें, ये दूसरी दफा 50 रन पे ऑल आउट हो गए हैं भारत के अगेंस्ट। बेंच से उठ के और इस तरह की परफॉर्मेंस देना और कह के 5-5 विकेटें लेना, और अब तो भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले ये बॉलर भी बन गए हैं, और मजा आता है इनकी बॉलिंग को देख के। तो शमी के पास एक हिसाब किताब है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो विकेट्स लेते हैं प्रेशर क्रिएट करके। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ODI क्रिकेट जो है ये बड़ी मिरर करती है बॉलिंग के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग को, क्योंकि 10 ओवर्स हैं, 60 बॉल हैं, आप लेंथ बॉल करेंगे भी तो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आउट नहीं तो फिर डॉट बॉल करेंगे, तो शमी नेचुरली लेंथ पे गेंद गिराते हैं।